नमस्ते जी। तो तुम्हारे लगने की वजह से देखना कितना नुकसान हो गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपके एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत दिन। क्या हो गया मेरे बालों को आज, पता है क्या हुआ है हमारे साथ? अभी बज रहे हैं 8:00, 8:30 मान लो, 8:30। हाँ 8:30 बज रहे हैं और इस लड़के ने, मेरी तो आँख खुली नहीं वैसे, पहले अलार्म बजा था हमारा 6:00, 6:00 वाला 5:50 पे लग, 5:40 या 5:50। मैंने 5:40 पे से जगा के से ऐसे घड़ी दिखाई दी, मैंने कहा 5:40 हो गई, जग जा। मुझे नहीं दिखी थी, मैंने नींद में, सिस्टम बहुत भयानक, कल मेरे हेडेक हो रहा था रात में, तो मैंने चेक किया तो उस टाइम मैं अलार्म बंद करके लेट गई। फिर मुझे ऐसे भयानक नींद आई, मुझे कुछ नहीं पता चला क्या हो रहा है, उसने अलार्म नहीं लगाया उसके बाद कोई भी। और पता है उसके बाद क्या कहता है? आई थिंक 7:00 करीब कह रहा बारिश हो रही है। फिर तो मैं और खुश, मैंने कहा बारिश हो रही है तो फिर आने वीडियो बना नहीं सकती, मैंने सोचा आज सो ही लेती हूँ। और आज बाहर जाके उठ के देखा गर्मी हो रही है, कोई एक बूंद बारिश नहीं हुई सर। मुझे ऐसा लगा कि पानी वानी की आवाज आ रही। तो तुम्हारे लगने की वजह से देखना कितना नुकसान हो गया। तुम वैसे भी 7:00 के बाद ही जगती, तो वैसे भी कहाँ जगने वाली थी, मैं तो तुम्हें देखो उस पे जगाया था। कोई नहीं, जल्दी जगता हूँ यार, कभी कभी एक आध आज 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 भी उससे लावन को थोड़ी देर में उठ जाता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि हम रोज वही कम कम सो रहे थे ना, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो ऐसे कभी कभी बीच में। आज जो दिया है ना बारिश का दिवेशन, मैं वैसे भी खुश हो गई थी कि मौसम अच्छा होगा, वाली फीलिंग में तो खराब कर दी ना तो तुझे। आज मैं बताती हूँ, तो तोरी बनाऊंगी आज तेरे लिए। तोरी से उसका क्या मतलब है? मैं बदला है, बदला बारिश का, मैं थोड़ी होगा भगवान को चिट्ठी लिखूंगा यहाँ से। तुम्हें तो कहते हो, तुम इंद्र क्या नाम, क्या तुम्हारा दिवेश, तुम कहते हो ना ये इंद्र देवता का नाम था, तो फिर बारिश कर पाओ। तो इंद्र देवता का नाम है तो तुम्हारे ऐसे टुच्चू लोगों की वजह से थोड़ी बारिश करेंगे। इंद्र देवता बहुत सारे लोगों की सुनते हैं ना, जब हम चाहेंगे सबको जरूरत है, सबको जरूरत है। नहीं अभी सबको जरूरत नहीं है, क्या पता कहीं पे किसी की फसल खड़ी हो कुछ ऐसा हो जाए। मैं बताऊंगी कुछ हो सकता है ना। मैं खिलाऊंगी तुम्हें तोरी, रुको जरा, तुम आज तुम तोरी खाओगे। तोरी ऐसी शक्ल है वही बनाओगे, तुम क्या खाओगे? तुम्हारी तो आलू जैसी है, आलू खा लो फिर। मतलब वही बना दो तोरी से, तो आलू बढ़िया। तुमने आज झूठ बोला ना, तुम्हारे नारियल पानी, मैंने क्या झूठ बोला भाई? तुम्हारे नारियल पानी में से आधा नारियल पानी तुमने अपना पूरा पी लिया ना कल, वो मेरा है पूरा। तुम्हारी बेटी ने पिया है मेरा सारा, मैंने सिर्फ दो से पी लिए थे, उसमें से सारा पी लिया। कोई बात नहीं, इतना ही बोलता हूं, कल पीना। मैं तुम्हारा आधा नारियल पानी पीऊंगा। नहीं हाँ। मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए, उसे मत पीना प्लीज। दो घूट दे दूंगा, चलो दो घूट चखा होता है बस, दो ही घूट, आधे से ज्यादा दो, कम से कम। अच्छा आधे से ज्यादा दे दो, मैं क्या पीऊंगा? तुम आधे से कम, तुम्हारे लिए लौकी का जूस बना दूं, तुम पी लेना उसे, और मेरा नारियल पानी मुझे दे दो चुपचाप। देखा मतलब ही पति, दो घूट मिलेंगे वो तो मुझे देना है ना लाके नीचे से। तुम तो जाओगे नहीं उठ के। सही है सही है। तो ये 2 दिन से रखे हुए हैं और मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा। सबसे पहले तो मैं करौंदे और मिर्च छौंकने वाली हूँ। हमारे घर में करौंदे मिर्च सबको बहुत पसंद है, मिर्ची मम्मी खाती है बट करौंदे दिवेश के फेवरेट है, और मैं वही छौंकने वाली हूँ। चलो जल्दी जल्दी मैं इसमें कट लगा लेती हूँ मिर्ची में हल्का हल्का, बाकी करौंदे तो ऐसे छुप जाएंगे। पहले इन्हें बना लेते हैं आज। पहले मैं रख रही हूँ यहाँ पर चने की दाल और लौकी, क्योंकि रूरू को भी पसंद है, और साथ में एक साइड डिश बनानी पड़ेगी क्योंकि खाली करौंदे नहीं खाए जा सकते। तो मैंने इसमें चने की दाल डाल दी है और ये लगभग मैंने आधी कटोरी ली है, और उसके बाद मैं इसे धोकर ले आई हूँ, अच्छे से साफ कर लिया मैंने 3-4 बार, और ऊपर से डाल रही हूँ एक कटी हुई लौकी जिसे मैंने मीडियम पीसेस में काटना, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, और उसके ऊपर से मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। लगभग मैंने दाल से 2 इंच ऊपर पानी डाला है, क्योंकि हम ये सब्ज़ी जो है ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे ना ज़्यादा पतली बनाएंगे, तो मीडियम वाटर। नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और उसको मिलाकर मैंने कुकर बंद कर दिया, और अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। अब मैंने यहाँ पर मिर्ची में से करौंदे अलग कर लिया, ये मिर्ची और करौंदे मैंने लगभग 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो के साफ कर लिए थे अच्छे से, और अब सुखा भी लिए हैं। और इस तरीके से मैं मिर्ची में एक एक स्लिट लगा रही हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि मिर्ची को 2 पार्ट में स्लिट कर देते हैं, अलग अलग हिस्से कर देते हैं उसके, तो जब आप उसे फ्राई करते हैं ना तो वो बहुत मरी मरी सी हो जाती है, बहुत पतली सी सूखी सी हो जाती है। तो इस तरीके से आप हल्का सा स्लिट लगाओ तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है थोड़ा सा, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ अजवाइन, और यहाँ पर जैसे अजवाइन भुन गई एकदम से मैंने मिर्ची और करौंदे इसमें ऐड कर दिए हैं। मिर्ची और करौंदे का जो फ्लेवर है साथ में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मिर्ची होती है तीखी, करौंदा होता है खट्टा, तो आपको ज़्यादा मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं है, और एक अच्छा एक साइड डिश आप इससे बना सकते हैं। रोटी के साथ ये बहुत सही लगती है, पूड़ी के साथ बहुत सही लगती है, पराठे के साथ बहुत सही लगती है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। पहले मैं करौंदे नहीं खाती थी, बट जब से दिवेश के कांटेक्ट में आई हूँ आई लव करौंदे मिर्ची, क्योंकि हमारे घर में बनते नहीं थे। मैंने उसको मिक्स कर लिया है अच्छे से, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मिर्च ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप ये मिर्च यूज़ कर रहे हो। अच्छा मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, ये वाली जो मिर्ची है ये वो है जो कम तीखी होती हैं। मैंने यहाँ पर तीखी वाली मिर्ची नहीं ली, वरना आप इन्हें खा नहीं पाओगे। तो मोटी हल्की सी जो मिर्ची आती है और जो तीखी
नहीं होती, तो धीरे धीरे फ्राई हो रही है और मिर्ची का जो कलर है वो लाइट होना शुरू हो जाता है, उसकी जो परत है ऊपर वाली वो हल्की होनी शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, ऑल्सो मैंने इसमें नमक भी डाला है बिकॉज नमक अगेन इंपॉर्टेंट है इसमें इसे पकाने के लिए, बट मैंने पहले हल्का हल्का इसको भून लिया और उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया, हल्का सा धनिया भी डाल दिया मैंने जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा फ्लेवर, क्योंकि ये काफ़ी सारा है तो एक हल्की सी ना मसाला इसमें होना चाहिए। तो मैंने उसे मिक्स कर लिया है अच्छे से यहाँ पे, और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दूंगी लगभग 5 से 6 मिनट के लिए कम आँच पे। करौंदे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, और अब मैं इसे बंद कर रही हूँ, नमक डाल दिया मैंने यहाँ पर, नमक आपने स्वाद अनुसार इसमें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया है पकने के लिए, तो ढकने के बाद जब आप इन्हें चेक करेंगे तो करौंदे जो हैं वो थोड़े फूल जाएंगे और बाहर से सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब करौंदे फटेंगे नहीं सिर्फ सॉफ्ट हो जाएंगे, आप दबा के देखोगे चमचे से तो वो फूले हुए आपको महसूस होंगे, हल्के दब जाएंगे, तो दैट मीन्स करौंदे पूरे पक चुके हैं। और मिर्ची तो यहाँ पर दिख ही रही है पकी हुई, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है मिर्ची का, तो करौंदे मिर्ची हमारे तैयार हैं। अब हम तड़का बनाएंगे अपने लौकी और चने की दाल का। लौकी और चने की दाल उबल चुकी है, उसमें से मैंने रूरू के लिए अलग से निकाल दिया है और कढ़ाई भी हमने गरम कर लिया, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। लौकी चने की दाल घी में और तेल में दोनों में आप बना सकते हो, बट तेल आप रिफाइंड नहीं यूज़ करें, आप सरसों का तेल यूज़ करें, सरसों का तेल बेटर होता है रिफाइंड से बहुत टर्म्स में, तो इट्स बेटर कि आप सरसों के तेल पे स्विच कर लें। और यहाँ पर मैंने जीरा डाला है, हींग डाला है, और ऊपर से लंबी लंबी प्याज कटी हुई और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ जो मैंने फाइनली चॉप की हैं वो डाल दी है। मैं सौते करूँगी इसे कम आँच पे, तो हमें जो सौते करना है थोड़ी देर के लिए। अब ये भुन चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है इसका कलर, ऊपर से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे देगी मिर्च जो कलर वाली होती है, तीखी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, और ऊपर से मैंने डाल दिया है इसमें यहाँ पर धनिया और सौंफ और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी और उस मसाले को मिक्स कर दिया है अच्छे से, तो कलर काफ़ी अच्छा है। हल्का सा पानी भी डाल दिया जिससे हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए, और ऊपर से डाल रही हूँ यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च कटे हुए, इसलिए मैंने मिर्च पहले कम डाली थी क्योंकि मैं हरी मिर्च ऐड करने वाली थी इसमें। इसे मैंने फिर से अच्छे से चलाया यहाँ पर, और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और टमाटर और हरी मिर्च को हम पकने का थोड़ा वक्त देंगे जिससे वो सॉफ्ट और थोड़े से मशी हो जाए। ये हमारा मसाला बन चुका है, लगभग मैंने 10 मिनट इसे कम आंच पे पका लिया। हल्का सा दरदरा रहता है ये मसाला, तो काफ़ी अच्छा लगता है लौकी चने की दाल में। बाद में इसे लौकी चने की दाल में मिक्स कर दिया है यहाँ पे, और ये जो पानी है हम इसे ढककर छोड़ देंगे सिम आँच पे लगभग 10 मिनट के लिए, सारा पानी सोख लेगी। तो मैं यहाँ पर कोकोनट वाटर ले रही हूँ आज अपने ब्रेकफास्ट में, और ये कुछ नट्स हैं जो मैंने रात में भिगोए थे, तो ये जब मैं वेट लॉस पे थी तो मैं यही खाती थी, और साथ में पपीता भी है। बस कोकोनट वाटर की जगह मैं वेजिटेबल जूस लेती थी, और ये रूरू ने आके सब गिरा दिया। तुम्हारे कोकोनट में जरा सा पानी निकला है, उसमें से भी ये मांग रही है, जरा सा नहीं निकला, तुम पी गई आधा। तुम्हारी कसम मम्मी से पूछो, मैंने इसमें एक घूंट पी के टच करके भी नहीं देखा कितना सा पानी निकला। हाँ मम्मी से पूछो, मम्मी सामने निकाला है। बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, तुम्हारे लिए अलग है, तुम्हारे लिए दूसरा पुतू बनाया मम्मा ने, इन सबका मिला के मिल्क बनाया मम्मा ने हमने रूरू के लिए, नहीं दे रही तो मतलब पैसे बर्बाद। हाँ मे बी, इससे बढ़िया तो यार इतने रुपए में तो ब्लैक एंड व्हाइट पी लेता मैं। हमारे यहाँ पे सारे दारू की क्लास आए कहाँ से? बहुत पैसे रखे हमारे पास क्योंकि बाबा बाबा के उस टाइम से ही। रुक जा बोलू, मैं भी सोचता हूँ, चले जब हम सुन रही हूँ जब हम एक और बड़ा घर बनाएंगे ना, तो उसमें एक डेडिकेटली बार बनाएंगे, एक बढ़िया सा बेहतरीन बार, उसमें सबसे महंगी महंगी बोतलें सजाएंगे, उसमें पीएंगे नहीं सिर्फ सजाएंगे। फिर भी क्या फायदा है, पीने थोड़ी होती है सजाने के लिए होती है, अच्छी लगती है। पैसे बर्बाद करो और पियो बिना, तू पी ले करियो। नहीं मतलब बुढ़ापे में पिया करेंगे दोनों मस्त, बुढ़े बुढ़िया एक एक पैक, एक एक पैक पी के फिर खाना खाया करेंगे रात में बुढ़ापे में, और फिर मस्त क्योंकि जिम्मेदारी खत्म, फिर पहाड़ों पे बनाएंगे, पहाड़ों पे घर बनाएंगे, वहाँ कैफे बनाएंगे बाहर, दूसरों को बुलाएंगे खुद ही पियेंगे, उसका नाम रखेंगे भंड कैफे, बुढ़े बुढ़िया कैफे। भाई हम लोग रेडी होके, अभी हमने वीडियो खत्म करा, तो आज मैंने इस चक्कर में साड़ी पहन ली है, और दिवेश सिंह ने पहना है कुर्ता। ये तुम ये क्या बटन खोल के घूम रहे हो? मैं बटन खोल के उतारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वीडियो बन चुकी है ना, गर्मी लग रही है, गर्मी पर अब तुमने जैसे तुमने तुम दूसरी वीडियो, एक वीडियो खत्म नहीं होती दूसरी वीडियो ऑन कर दी, गर्मी तो मुझे लग रही है, तो मैंने कहा चलो अब पहन लेता हूं दोबारा से। चलो थोड़ी इज्जत बची। आज मम्मा पापा तैयार हो गए शादी में जा रहे हैं, अरे नहीं आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली, नमस्ते कर दो, नमस्ते जी, करो नमस्ते जी, करो ऊपर करो नमस्ते, आगे नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।
तो जी हमारा सारा शूट खत्म हो चुका है। मैंने अपनी साड़ी को साइड में टक कर लिया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी रोटी बनानी थी, कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं था। तो अभी मैं आज यहाँ पर बीन्स वाली रोटी बना रही हूँ। आपने मेरे थाली के शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा कि मैंने बीन्स वाली रोटी बनाई थी। तो कुछ नहीं है इनमें, मैंने सिर्फ सिंपल बीन्स को पीस के आटे में मिला दिया, आधे बीन्स आधा आटा। इस तरीके से वेजिटेबल आपके पेट में जाते हैं, फाइबर्स हाई रहते हैं और गेहूँ थोड़ा कम रहता है, तो डाइजेशन इंप्रूव रहता है उससे एंड वेट लॉस भी अच्छे से हो जाता है। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं मैं और रेसिपीज़ लेकर आऊँ। ओके, कल के ब्लॉग में मैं आपको कैरेट केक की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। बनाई तो मैंने वो आज ही थी लेकिन ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता तो इसलिए मैं कल उसको इंक्लूड कर दूँगी कल वाले ब्लॉग में। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट वन।